तो भाई दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर बोटैनिकल गार्डन में, हिमालय बोटैनिकल गार्डन में HBG। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं अभी, और ये आगे आगे भाग रही है, ये दोनों भाग रहे हैं आगे आगे। ठीक है, और अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, तो अभी हम लोग टिकट लेंगे और उसके बाद हम लोग एंट्रेंस, ये इसकी एंट्रेंस है बोटैनिकल गार्डन की। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर बोटैनिकल गार्डन का टिकट लिया है, और वो एक टिकट की कॉस्ट है यहाँ पर 50 रुपीज़, 3 टिकट की कॉस्ट है 150 रुपीज़। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अंदर की तरफ। तो बोटैनिकल गार्डन के अंदर आ चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर घूमने। ठीक है, दिखाऊँ तो ये काफ़ी मस्त यहाँ का नज़ारा है, व्यू है काफ़ी मस्त है, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन में ऊपर, हम लोग की साइड में। ठीक है, ये साइड उठ के दिखाते चलेंगे। क्रिप्टोमेरिया, वो क्रिप्टोमेरिया का है। अभी हमें मिल गया, अभी हमें मिल गया क्रिप्टो करेंसी उपजाने की पेड़। ये देखो क्रिप्टोमेरिया, यहाँ से क्रिप्टो करेंसी उपजेगा। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर आगे भाई, यहाँ पर माल भी देख सकते हो। ये पूरा ऊपर की तरफ अब हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, ये बोटैनिकल गार्डन में कुछ पेड़ हैं जिनको कवर किया हुआ है ऑलरेडी, कुछ पौधे हैं जिनको कवर किया हुआ है नेट के थ्रू। ठीक है, प्राय चल रहे हैं यहाँ पे, कुछ है आगे नीचे का व्यू देख सकते हो। अभी हम लोग इंसेक्ट म्यूजियम एंड ऑडिटोरियम में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अंदर भी पूरा व्यू करें। हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और ये बाहर का व्यू है। ठीक है, इंसेक्ट म्यूजियम डिस्प्ले है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं और पूरा हम लोग यहाँ पर ये सभी आज यहाँ साइंटिस्ट बने पड़े हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ये यहाँ पे बनाड़ का है, कॉशमॉस का है, गोल्डन रेड ड्रैग है, कॉशमॉस है, तुलसी है, इन सब की बीज हैं, इन सब की बीज हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कौन है, ये कौन है यहाँ पे, इनसे मिलो, ये कौन है, इनसे मिलिए, ये जिन, अच्छा कीड़े मकोड़े में रह रह के तुम अगर जिंदा नहीं हो तो फिर मैं ऐसे कीड़ा दिखाता हूँ आप सभी को। ये देखिए, ये सारे कीड़ा यूरोफाइल, चाइनीज कीड़ा वगैरह, फ्लैनाटिकना, ये जो भी हैं, ये सब जो आप कहते थे ना घर पे देखते थे कीड़ा, कहते थे कीड़ों के दिन नहीं रहना, तो देखो यहाँ पे तरह तरह के मैं आपको कीड़े दिखा रहा हूँ इस जगह पे। ठीक है, ये कीड़े देखो। ठीक है, अभी आप तितलियाँ देख सकते हो, तितलियाँ हैं। ठीक है, ये तितलियाँ हैं यहाँ पर, ये हैं, तो ये कुछ पत्तों के साथ में यहाँ के बीच में भी कुछ तितलियाँ रखी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तितलियाँ ही तितलियाँ, मतलब बहुत बड़ी तितली है ये, बड़ी तितली। देखो अगर आप यहाँ आते हो नैनीताल तो बोटैनिकल गार्डन जरूर आओ, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर है बोटैनिकल गार्डन में, तो नैनीताल आ रहे हो तो बोटैनिकल गार्डन जरूर आओ आप। हम लोग आज देख रहे हैं कि भाई तितलियाँ इतनी टाइप्स की होती हैं। ठीक है, ये देखो इतनी बेहतर, एक अलग अलग टाइप्स की पूरी तितलियां हैं, जो टिड्डा पूरा का पूरा खेत खाया जाया करती है उसको भी हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उस टिड्डा को भी हम लोगों ने रखा है। ठीक है, ये देखो ये टिड्डा है, टिड्डा लकड़ी जैसा दिखने, और ये लकड़ी जैसा दिखने वाला कीड़ा है। ठीक है, इंडियन स्टिक इंसेक्ट, ड्रैगन फ्लाई है, कैकड़ क्रिकेट, अरे यार पता नहीं क्या क्या साला नाम, इतना पड़ा रहता तो यही थोड़ा ही रहता है। यहाँ पे दस प्रकार के कीड़े हैं। ठीक है, एक ये कीड़े हैं, एक ये कीड़े हैं। ठीक है, ये सारे कीड़े हैं यहाँ पे, और मैंने वीडियो पूरा डाल दिया है, बाकी आप ढूंढ लो बाकी कीड़े कहाँ हैं। एक कीड़ा यहाँ पे वीडियो लेकर के चल रहा है, दो कीड़े इधर हैं। ठीक है, अब ये पूरा जो नेट से कवर किया हुआ है ना, अभी हम लोग इसके अंदर चल रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मैं तो सही उपयोग, टेलीफोन में भी पौधे जमे हैं, आ जाओ चलो। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया नेट से कवर किया हुआ है। ठीक है,
यहाँ आओ तो बोटैनिकल गार्डन जरूर आओ। जरा इससे पूछते हैं कैसा लग रहा है, इसे कैसा लग रहा है? नहीं पूछो। कहाँ है, थक गए हैं? इस बेचारे को यहाँ खाने को नहीं मिला अभी। ये देखो मैदा का पेड़ मिल गया, मैदा का पेड़ मिल गया, पॉलीगॉन्टम कॉलिफर्न। ये टेरिडो फाइटम फाइटस है, ठीक है, जिसके अंदर पत्तियों जैसे जितने भी पौधे होते हैं वो सारे इसके अंदर हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी दिखाते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं अंदर चल के। इसकी जो खेती है वो भी एक अजीब अलग तरीके से की गई है पूरी इसकी खेती, ठीक है। ये पूरा ऊपर से सील पैक करके, ठीक है, तब इसको पूरा बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। पूरा ही चारों तरफ से काफ़ी अच्छा, बहुत ही बेहतरीन यूनिक बनाया गया। इधर मैं आपको आकर के दिखा रहा हूँ, इधर चल करके नीचे देखोगे यहाँ पर तो पूरा और चारों तरफ से पैक किया गया है। अब पैक इसलिए किया गया है, मुझे लगता है कि शायद इस पर धूप वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए था, ठीक है, इस वजह से ये सब देख सकते हो आप सारा, इस वजह से शायद पैक किया गया। बोटानिकल गार्डन का जो है ना व्यू का जो मज़ा है वो काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। सो बोटानिकल गार्डन ज़रूर घूमो जब भी यहाँ पे आओ तो, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, चलते हैं। अरे बाप रे, हाँ बस एक चीज़ रहता है यहाँ पे, कुछ भी छूना छाना नहीं है आपको, ठीक है, किसी भी चीज़ों को छूना नहीं है आपको यहाँ से। आ जाओ, ये बोटैनिक गार्डन में पूरा नेट लगा करके खेती की हुई है यहाँ पे फूलों की, ठीक है। ये बड़ा सा तितली और ये नीचे कुछ तितलियाँ और जा रही हैं। दोस्तों ये यहाँ पे मिला हमें एलियन का घर, अब इस एलियन के घर में देखते हैं क्या है। यह है हॉलीवुड बॉलीवुड और जॉलीवुड, मतलब इस HBG का नाम है टोटल, क्या नाम है इसका, नाम है हिमालयन बोटैनिकल गार्डन। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड करेंगे एक बार। सारे पेड़ हैं, कैक्टस हैं, ये सारे कैक्टस के पेड़ हैं, सारे कैक्टस हैं यहाँ पे। ये सब कैक्टस के अलग अलग टाइप्स के हैं सारे, और इनको पूरा यहाँ पे पूरा पैक करके एक सीनरी तब बनाया गया यहाँ पे पूरा, ताकि इस पे डायरेक्ट धूप ना आए, जैसे जितने भी जालियां लगी ना सब इसीलिए लगी है। ओके, ये सारे कैक्टस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसमें चलते हैं। ये क्या है, वही है कैक्टस ही है? नहीं कैक्टस थोड़े ये अलग लग रहे हैं कुछ, देखो ना देखो ये सब चुभने वाले हैं, नहीं ये एलोवेरा, ये एलोवेरा, एलोवेरा ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये सारी हैं। भाई यार नैनीताल में आ करके घूम करके मजा आ गया, ठीक है। बोटैनिकल गार्डन बहुत मस्त है। अब हम लोग बोटैनिकल गार्डन से हम लोग निकल रहे हैं अब, ठीक है, एग्जिट साइड पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। आए तो थे हम लोग लॉन्ग रास्ते से, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर शॉर्ट रास्ते से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। और ये बैक का व्यू देखोगे आप तो कहाँ पे शॉर्ट रास्ते से भी यहाँ पे काफ़ी शानदार व्यू है, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं अभी, यहाँ पर चल के थोड़ा संभल करके उतरना पड़ता है। और पहली चीज़ कि यहाँ पर अगर घूमने आते हो तो कभी भी स्पोर्ट्स शूज़ ही पहन करके आओ, ताकि आपको आसानी रहता है यहाँ पर उतरने वगैरह में, ठीक है। अच्छा ये वही उसी तरफ हम लोग आ गए हैं जिधर वो गार्डन था, सॉरी नहीं वो म्यूजियम था। यहाँ पर आउट हो रहे हैं, बाहर के साइड से हम लोग चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। शेर, ये यहाँ पे चीता बना हुआ है, ये यहाँ पर तितली बना हुआ है लोहे के रॉड के थ्रू। अब हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, बोटानिकल गार्डन हिल्स बोटानिकल गार्डन आए थे हम लोग। अब हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे, ठीक है।
सो यहाँ का आप लोग देख सकते हो हमारी वहाँ पे खड़ी है, ठीक है। इसके अंदर हम आपको दिखा दें। और ये भैया तैयार हैं अब चलने के लिए। अब किधर चलना है? अब ये तो सरिता ताल आर्टिफिशियल लेक। एक बार फिर से बताएं। आर्टिफिशियल लेक सरिता ताल। चलो वैसे ही रहो जैसे। अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा सा हम लोग एक ताल है, आर्टिफिशियल ताल है, उसके साइड पे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ बैठे हैं कुछ स्नैक्स वगैरह के लिए, ठीक है। और इस साइड पे जो है सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं सभी चीज़ों के, खाने पीने के, आर्टिफिशियल ताल के पास में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को नज़ारा दिखाऊँ तो कुछ यूं नज़ारा है। हम लोग यहाँ पे आलू पराठा खा रहे हैं। कितने की है सर ये आलू के पराठे? यहाँ पे मिलते हैं आपको आलू प्याज का 50 रुपये और आलू का 40 रुपये। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्नैक्स वगैरह ले करके और थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट होकर के हम लोग चल दिए हैं। हम लोगों ने पानी का बोतल भी ले लिया क्योंकि नहीं तो प्याज से मरना था, तो इसलिए अब थोड़ा जिंदा लग रहे हैं। अब भी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? वाटरफॉल। हाँ जी, वुडलैंड वाटरफॉल। वुडलैंड वाटरफॉल अब हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। वुडलैंड और वुडलैंड वाटरफॉल अभी हम लोग चल रहे हैं, लेकिन इसके सब एक नज़ारा आपको दिखा दें, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अभी हम लोग यहाँ पर वुडलैंड वाटरफॉल हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब वुडलैंड वाटरफॉल हम लोग पहुँच चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। सारी चीज़ देखते हैं हम लोग कैसा नज़ारा है, क्या है, ठीक है। कैमरा कर लिया। यहाँ बंदर भी जाता है तो थोड़ा हम लोग को बंदर संभाल करके चलना होगा, ठीक है। अब हम लोग बंदर संभाल के चलते हैं थोड़ा सा। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर 50 रुपीज़ का टिकट है ऑलरेडी। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं वाटरफॉल के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं वाटरफॉल के लिए, चल रहे हैं देखने। काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है यहाँ पे। आ जाओ, यहाँ पे हम लोग वाटरफॉल में हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं अभी, ठीक है। और ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम लोग, चलते चलते यहाँ पे सारे सीनरी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वाटरफॉल में हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ये ऊपर किसी पहाड़ से टकरा के बस गिरी थी और ये खाई में अभी तक अटकी हुई है। ये कौन? नैनीताल सर्विस की बस है। हाँ, ये लाज पॉइंट। यहाँ पे मैं स्वागत है आपका भाई। पानी है काफी ठंडा है, काफी ज्यादा ठंडा है। माइनस फाइव डिग्री है पानी है पूरा यार। अब हम लोग यहाँ पर वाटरफॉल से हम लोग यहाँ पे घूम लिए, रिटर्न जा रहे हैं अब हम लोग, क्योंकि पानी भी था बहुत ठंडा ठंडा था। पैरों की
ऐसी तैसी हो गई है, पैरों की ठंडी ठंडी सिकाई हो गई है। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पर बोर्डलैंड वाटरफॉल हम लोग यहाँ पर पूरा घूम चुके हैं, हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको अब हम लोग वापस चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, हम लोग वापस चल रहे हैं और वापस चल रहे हैं हम लोग दूसरी जगह और देखते हैं कहाँ चलना है हम लोग। तो अब हम लोग बोर्डलैंड वाटरफॉल से हम लोग निकल चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं कहीं और। अब हम लोग कहाँ कहाँ चलेंगे भैया? खुरपा ताल। अब झील है, पहाड़ के गाय के खुर के आकार की। अच्छा, अब हम लोग खुरपा ताल चलेंगे जहाँ गाय के खुर के आकार की झील है। ठीक है, मौसम के हिसाब से कलर चेंज होता है, मौसम के हिसाब से वहाँ का कलर भी बदलता है यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार। तो अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे। अब हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे खुरपा ताल, और यहाँ जो नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ये नीचे की तरफ ये खुरपा ताल है जो कि गाय के खुर के आकार का ये पूरा ताल है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ हम लोगों ने ये भी अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बात करें तो सामने की तरफ में अगर हम लोग बात करते हैं ना तो सामने की तरफ में वहाँ पे मनसा देवी का मंदिर है। ठीक है, हम लोग एक बार मनसा देवी मंदिर में चल के देखते हैं। हाँ, ये जो मनसा देवी जो मंदिर है ना, ये यहाँ पे अपने आप ही प्रकट हुआ था मनसा देवी मंदिर। ठीक, ये यहाँ का पीने पानी है और ये मनसा देवी की जो मंदिर है खुरपताल मनसा देवी मंदिर जो है, ये मूर्ति यहाँ पे प्रकट हुई थी तो इनका भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी श्रद्धा होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे मनसा देवी की मंदिर है। आज से अगर हम पूरा व्यू कैप्चर करते हैं पीछे, ये यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत खेती होती है, यहाँ पे इस जगह पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इस जगह पे सीढ़ी नुमा खेती का आपको पूरा दिखा सकते हैं। और ये नीचे खुरपत ताल है। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर आए थे खुरपताल हम लोग घूमने के लिए, तब तक यहाँ पर फटाफट से बारिश होने लगी बहुत तेज। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बारिश होने लगी, तो बारिश होने की वजह से हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठे हैं और हम लोग यहाँ पे वैसे भी खुरपताल हम लोग घूम भी लिए थे क्योंकि नीचे नहीं गए थे हम लोग। ठीक है, क्योंकि नीचे ज़्यादा अच्छा व्यू हमें ऊपर ही लग रहा था। तो अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं और अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे दूसरी जगह पे, कहीं पे भी। कहाँ चलेंगे भैया? वापस हम निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ रास्ते में बारिश होने लगी है बहुत झमाझम करके, ओले गिर रहे हैं यहाँ पे बहुत तेज। अभी हम लोग यहाँ पर नैनीताल से हम लोग लगभग 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले हम लोगों ने होटल लिया है, काफ़ी अच्छा होटल है हम लोगों ने वो लिया है। पहले लेने वाले थे उसी को, लेकिन हम लोग काठगोदाम से आते आते लेट हो गए थे कल, तो हम लोगों ने नहीं लिया था, तो आज हम लोगों ने वो होटल लिया है। और अभी हम लोग पहुँच गए वहाँ पर और अभी हम लोग होटल के बाहर निकले हैं, गेड़ी मार रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये गेड़ी मार रही है, क्या कर रही हो? स्टाइल मार रहा हूं मैं। क्या कर रही हो? स्टाइल मार रहा हूं। चलो भाई चलो। तो चलो अभी कहीं भी पूछ रही है, ये घर है वो घर में घुस जाएगी क्या? और नहीं तो क्या हाथ से खिला देती? अच्छा, उसको सही से दो नहीं तो वो गाली देगा अभी। अरे एक तो खा लें दो उसे, तो ऐसे ही एक बार फेंक के देखो वो उठा लेगा बीबी ना फेंके हुए। हाय दोस्तों, तो अभी हम लोग जिस होटल पे हम लोग रुके हैं, इस होटल का हम लोग पूरा मॉर्निंग में दिखाएंगे इसका नाम वगैरह सब, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। द होटल सनराइज पे हम लोग यहाँ पर रुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर डिनर करने जा रहे हैं, डिनर वगैरह सारा मंगा लिया है अभी। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर डिनर करने जा रहे हैं। डिनर अभी हम लोगों ने मंगाया है कढ़ाई पनीर मंगाया है और आलू मसाला हम लोगों ने मंगाया है। ठीक है, कढ़ाई पनीर बस कढ़ाई में दे देते हैं। ठीक है, एक तो सी कढ़ाई। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर खाना खाने।